भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर नकली खाद और वर्मी कंपोस्ट बेचने का आरोप लगाया है, जिसके पलटवार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गाय के नाम से जिन्होंने करोड़ों रुपए अपने साथियों को बांट दिए, उन्हें घोटाला ही नजर आएगा। सीएम ने कहा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में किसानों ने खुद वर्मी कंपोस्ट के फायदे बताए हैं। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। गाय के नाम से करोड़ों रुपया वो अपने साथियों को बांट दिए, गाय दुबली होकर मर गई और उनके जो समर्थक थे वो मोटे हो गए। उसके प्रकरण भी हैं अलग अलग, चाहे वो भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की बात हो, चाहे वो धमदा विधानसभा क्षेत्र, साजा विधानसभा क्षेत्र में हो, बिलासपुर में, लोरमी में हो, कितने जगह इसी प्रकार से गाय मरी आप सब जानते हैं। तो ये घोटालेबाज तो वो हैं और प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, और ये लोग विरोध कर रहे हैं। और जो वर्मी कंपोस्ट उपयोग कर रहे हैं वो किसान खुद बता रहे हैं। मैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाकर किसानों से पूछ रहा हूँ कि आप वर्मी कंपोस्ट डाले हैं तो उसका क्या फ़ायदा हुआ, और सब किसान बता रहे हैं कि हमारा धान अनाज का उत्पादन बहुत बढ़िया हो रहा है। तो इसका कोई भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दा नहीं है, इसका सिर्फ विरोध कर रहे हैं, हालांकि वो लोग भी उपयोग कर रहे हैं।